नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। कल अंकिता गई थी हॉस्पिटल, तो ही बगल में नर्सरी पड़ती है, तो वो बोल रही थी कि मम्मी मैं आपके लिए पौधे ले आऊं, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। क्योंकि एक दिन पहले नर्सरी विजिट कराई थी, आके बताई कि मम्मी बहुत सुंदर पौधे आ रहे हैं। अंकिता को क्या हुआ ना कि घर में जो डॉग पला हुआ है उसने थोड़ा सा दांत लगा दिया शरारत में, तो गई थी टिटनेस का इंजेक्शन लेने। तो वहीं उसको भी शौक है सब चीज़ों का, पौधों का, तो गई थी विजिट करने, तो मेरे लिए पौधे लेकर आई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई है, मेरे बिना ही चॉइस की है, उसे जो पसंद आया है वो लेकर आई है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो गार्डनिंग करता है उसके पास गमलों की हमेशा कमी रहती है, चाहे ठंडी के सीजन में हो या गर्मियों के सीजन में हो, सीजनल लगाने के लिए जगह ही नहीं रहती, इतने पौधे भर जाते हैं। फिर भी ले आई है, मैं किसी तरह उन्हें सेट करूंगी। अभी कल शाम को एक दो पौधे लगा भी दी थी, लेकिन वो थोड़े मुरझा गए हैं, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा, लगता वो चले जाएंगे। बाकी को मैंने ऐसे ही गमलों में रखा हुआ, कुछ ऐसे ही रखा हुआ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या लेकर आई है। ये देखिए, ये सारे पौधे गर्मियों के हैं, ये ऑरेंज है, ये पर्पल पिंक, ये भी वही है, ये एक पर्पल कलर है, प्योर पर्पल कलर है। इसके ज़्यादा सुंदर फ्लावर लग रहे हैं मुझे, ये छोटा है तो कली अभी ऐसे खिल रही है, और ये इसका बड़ा है, और ये सनफ्लावर का है, एक सनफ्लावर और था, लेकिन वो ये देखिए, ये मैंने शाम को रिपोर्ट किया था, लेकिन इसकी पता नहीं कि पत्तियां सब झड़ गई हैं। ये सब गर्मियों के पौधे हैं, ये अंकिता लेकर आई है, तो मैंने अभी इनको ऐसे ही रखा हुआ है, एक दो दिन बाद लगाऊंगी, जिससे कि ये यहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के मौसम में सेट हो जाए। ये इतने पौधे लेकर आई है अंकिता, अब मैं इन्हें धीरे धीरे करके रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि गर्मी में है थोड़े, अगर थोड़ा सा भी लगाने में लापरवाही हो गई तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। नर्सरी जाएं तो ऐसा लगता है कि सारे पौधे ले जाएं, पौधे लेकर भी आ जाएं, पर लगाएं कहाँ। ये पौधे मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है, ये गमले में ही ऐसे ही रख दिया है, मिट्टी डाला ही भी नहीं है। ये भी लगाया था तो ये देखिए थोड़ा मुरझा रहा है, ये मुरझा रहा है, तो मैं अभी इन्हें एक दो दिन बाद लगाऊंगी। ये मैंने अभी इन्हें सारे ऐसे ही गमलों में रख दिया है, ये 9 o'clock, ये भी ऐसे ही रखा हुआ, दो ये हैं, ये पिंक है ये। तो दोस्तों, ये है आज के मेरी अंकिता की लाए हुए पौधों का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।